बरसवाड़ा के बादुकोटा मार्ग पर कब्रिस्तान के करीब नर्सरी के पास एक महुए के पेड़ से पानी टपक रहा है। ग्रामीण जन इसे आश्चर्य बात मानकर किसी चमत्कार से कम नहीं बता रहे हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार महुए के पेड़ से पानी टपकने की घटना बरसवाड़ा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे देखो महुए के पेड़ के पास जाकर टपक रहे पानी को किसी चमत्कार से कम नहीं बता रहे हैं। ग्रामीण बूंद बूंद टपक रहे पानी को कोई माथे पर लगा रहा है तो कोई उसे पीकर श्रद्धा और आस्था की दृष्टि से देख रहा है। जय भोलेनाथ। ये पानी बहुत ही मीठा है, स्वादिष्ट भी है और इसको पीने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग शांत हो चुका है, धैर्य मिल जाता है, एक प्रकार की शांति मिल जाती है, इतना मीठा पानी है। ये तो बरसवाड़ा शेरपार के मतलब बर्रा है जी, इसके बीच में ये महुआ के पेड़ से पीपल का पेड़ उगा हुआ है उसके ऊपर, हाँ वहीं से पानी टपक रहा लगातार करीबन 7 दिन से पानी टपक रहा। अच्छा, क्या कहोगे इसको आप? अभी इसको क्या कहेंगे जी, कुदरती बोलेंगे, चमत्कार टाइप का है ये, कुदरती देन हो सकता है। विज्ञान के इस दौर में भी प्राकृतिक तौर पर इस पेड़ से गिर रहा लगातार बूंद बूंद पानी एक रहस्य बना हुआ है और जन चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पता लगा कि महुए के पेड़ से पानी टपकता है जी। मेरे द्वारा जब देखा गया तो वाकई सही बात है कि यहाँ पे पानी टपकता है और देखा तो वाकई में पीले रंग का पानी दिख रहा है। पहली बार ही इस टाइप का देखे हमने तो हमको ऐसा लगा कि ये चमत्कारी है। काय का पेड़ है ये? महुआ का पेड़ है। अच्छा, और ये कौन सी जगह है? ये परसवाड़ा से भादुकोठा के लिए जाती है रास्ता, उसी के साइड में महुआ का पेड़ है, उसी से पानी टपक रहा है। अब ये तो प्राकृतिक ही है, इसके बारे में तो अब वैज्ञानिक लोग ही बता पाएंगे जी। काय का पेड़ है ये? महुआ का पेड़ है। और कब से पता चला आपको ये? कैसे घूमने आए थे, लगभग 1 हफ्ते से पानी गिर रहा है यहाँ पर जी। इसको आपने चखा क्या पानी को? हाँ चखा ना। कैसा टेस्ट है? पानी जैसे ही टेस्ट है। तो क्या कभी अभी आपने कभी अपने जीवन में इस तरह का देखे कि किसी पेड़ से पानी टपकता हो? नहीं, इससे पहले तो नहीं देखे।